दुमका सदर प्रखंड की फासिया डंगाल के झामुमो प्रत्याशी डॉक्टर लुईस मरांडी की आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान दुमका विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन ने कहा कि इस चुनाव में चुनौती को रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में जीत झामुमो की होगी। कार्यकर्ता पहले से चुनाव कार्य के लिए तैयार है, विपक्ष क्या सोचते हैं उसे झामुमो को चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। वहीं भाजपा छोड़कर झामुमो पार्टी में शामिल और जामा विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी डॉक्टर लुईस मरांडी ने कहा कि हम कभी नजदीक नहीं गए और गई तो चले ही गए। हमको वो प्यार मिला जो कभी नहीं मिला था। गरीब असहाय लोगों का दर्द सुनने वाला है तो झामुमो पार्टी है। कदम से कदम मिलाकर विकास की खाका तैयार करेंगे। हम सभी के दिशोम गुरु शिबू सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन ने हमें सम्मान दिया, उसके लिए मैं एहसानमंद रहूंगा। जबकि भाजपा ने हमें मक्खी की तरह फेंक दिया था। भाजपा ने काम का महत्व को नहीं दिया बल्कि गणेश परिक्रमा करने वालों को सम्मान दिया। सम्मान दिया है तो मुझे झामुमो ने सम्मान दिया। झामुमो से सीखे कैसे सम्मान किया जाता है। दुमका से अगस्टीन इमरम की रिपोर्ट। क्या चुनौती होगी आपको? देखिए, सबसे पहले तो हम सभी के दिशोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी और इस राज्य के मुख्यमंत्री भाई हेमंत सोरेन जी और साथ में जो खड़े यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री भाई बसंत जी और पूरे पार्टी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने जिस तरह से हमें भारतीय जनता पार्टी ने दूध में बैठे मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया, इन्होंने हमें ससम्मान स्वीकार किया। इसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे और ये हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर काम का, भारतीय जनता पार्टी में काम का महत्व नहीं है, काम का महत्व नहीं है। गणेश परिक्रमा करने वालों के लिए अब वहाँ स्थान रह गया। लोग कहते हैं महिलाओं को हम सम्मान देते हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन महिलाओं का सम्मान कैसे दिया जा रहा है वो आपके सामने है। अगर महिलाओं को सम्मान कैसे दिया जाता है, अगर कोई सीखना चाहे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीखे कि लुईस मरांडी को जिस तरह से उन्होंने फेंक दिया और इन्होंने गले लगा लिया, इससे बड़ा और उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही साथ लाखों लाख 49 लाख बहनों को खाते में जो मैया सम्मान योजना के माध्यम से सम्मान मिल रहा है, इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया? कार्यकर्ताओं को संदेश देने की आवश्यकता नहीं है, कार्यकर्ता तैयार थे, तैयार हैं और बस अब हम लोग जो है फील्ड की ओर जा रहे हैं और जो भी अड़चने हैं उसको रौंदते हुए हम लोग आगे। बीजेपी जिस तरह से माहौल हो रही है जेएमएम पर, आप उसको किस तरह से चुनौती के रूप में ले रहे हैं? किनकी बात? बीजेपी कौन जिस तरह जेएमएम पे आक्रोशित हो रहे हैं, बीजेपी जिस तरह आरोप लगा रहे हैं, झारखंड में नहीं हो रहा है, एकाद वो आया है प्रवासी है उसको क्या बोलिएगा, आया है उड़ेगा, आया उड़ते आया उड़ते वापस जाएगा। एक मुख्यमंत्री के पीछे साथ साथ वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री लगे हुए हो रहे हैं। जैसा कि मैंने कल कहा कि एक मुख्यमंत्री जी का तो मैं दरखास्त करूंगा, आचार संहिता है इससे नहीं हो पाएगा, लेकिन आचार संहिता खत्म होता है तो मेरी दरखास्त होगी कि उनको जो है यहाँ का वोटर आईडी बना दिया जाए और यही बसिंदा हो जाए, ज्यादा बेहतर है, वो तो यही रह गए हैं बेचारे, भूल गया है उनको सब, उनका प्रदेश का लोग। किस मुख्यमंत्री के बारे में बता रहे? दुनिया जान रही है कि जो है जो डुप्लीकेट नाम लेके घूम रहा है। जामा में जो चूंकि पिछले दो चुनाव का देखा जाए तो मार्जित हार का अंतर जो था काफ़ी कम था, तो इस बार कैसी रणनीति रहेगी चूंकि कैंडिडेट भी दूसरे संगठन से आई हुई है, तो कैसे मैनेज कीजिएगा? आज जो बैठक भी हुआ है कुछ डायरेक्शन वगैरह भी दिया गया है। देखिए, जामा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कर रहा है और हम लोग भारी मतों से जो है वहाँ पे दर्ज करेंगे जीत,
निसंदेह कार्यकर्ता जो है काफी उत्साहित हैं वहाँ के, और दीदी के स्वागत के लिए वो लोग बेचैन हैं, और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह काफी जोश है, और आने वाले दिनों में आपको इसका देखने को मिलेगा।